सो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं बिटकॉइन को लेकर। सबसे पहले तो एक बात यहां पर क्लियर करना चाहूंगा, बहुत से लोग बोल रहे हैं सर बहुत वीडियो अपडेट नहीं आ रहा था। इसका मेन रीजन ये था कि मैं देखना चाह रहा था कि मार्केट का मेन स्ट्रेंथ कहां पर है, कि एक्चुअल में मार्केट में बायर्स ने मार्केट को ओवरटेक किया है या बियर्स ने या सेलर्स ने मार्केट ने ओवरटेक किया है, वो मुझे देखना था। और फिल वक्त में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं बिटकॉइन को लेकर। जैसे कि हम देख रहे थे पिछले कुछ वक्त से कि मार्केट बिल्कुल एक ट्रेंड में था, ठीक है, यहाँ से अच्छा खासा मार्केट ने एक बाउंसिंग किया है और बाउंसिंग करने के बाद मार्केट एक साइडवे स्ट्रक्चर में ट्रेंड किया हुआ है। और मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था कि अगर मार्केट अपसाइड का मूवमेंट नहीं लेता, जब मार्केट यहाँ पर था, अगर अपसाइड का मूवमेंट नहीं लेता है तो शायद बायर्स अपना पोजिशन लूज कर देंगे और वहां पर जो सेलर्स है वो अपना पावर दिखा सकते। तो फिल वक्त की अगर यहाँ पर बात किया जाए मेन तरीके से, तो एक तो जो लास्ट स्ट्रक्चर है जो पिछले कई टाइम से यहाँ पर चल रहा है वही स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट स्टक है। और मेनली मेरा जो मेन चीज है देखने की वो है मार्केट का ड्यूरेशन। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑलमोस्ट 58 डेज यहाँ पर हो चुका है। एक एक्यूमुलेशन फेज साइकिल होता है जो कि ऑलमोस्ट 60 डेज का होता है, ठीक है। मैं समझता हूँ 18 तारीख तक हमको वो 60 डेज साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और मे बी उसके बाद मार्केट या तो आप साइड में पंप करने के लिए रेडी रहेगा या नहीं तो मार्केट जा सकता है $28,000 के बिलो। ये चीज कोई पहली बार नहीं बोल रहा हूं, कई दफा ये चीज बोला हूं मार्केट के दो सिनेरियो से, या तो मार्केट जाएगा $24,000 से $25,000 तक और नहीं तो अगर मार्केट इसको होल्ड करता है तो मार्केट और भी ज्यादा हायर जा सकता है। क्योंकि देखिये याद रखो जब तक रिटेल ट्रेडर का अच्छा खासा लॉस नहीं होगा तब तक वेल्स लोग मार्केट को हैवी तरीके से मूव नहीं करेंगे। अगर मैं बात करूं तो पिछले इन 60 दिनों के अंदर या मैं कह सकता हूं इन पिछले 58 डेज के अंदर मार्केट में काफी ज्यादा रिटेल ट्रेडर एग्जिट हो चुके, इवन काफी ज्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर भी फिल वक्त में मार्केट में एकदम ऐसा कंटाल आ गया उनको कि उनको लग रहा है भाई अब कब मार्केट से एग्जिट करूं। क्योंकि मार्केट देखा जाए तो पिछले 60 दिन से वही रेंज में घूम रहे हैं, वही साइड पे स्ट्रक्चर कर रहे हैं, अभी 2 दिन बाकी है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मेरा पर्सनल एस्टिमेशन ये है कि वो 2 दिन के अंदर मार्केट ने कोई ना कोई अच्छा खासा मूवमेंट देना है, प्लस बहुत ज्यादा इवेंट्स भी आ रहे हैं। एक तो GBTC के बारे में आ रहा है, दूसरा एलन मस्क और जो जैक डोर्से है ट्विटर का CEO, उनके और सारे के दोनों का कुछ मीटिंग होने वाला है, कुछ कॉन्फ्रेंस होने वाला बिटकॉइन के रिगार्डिंग, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर भी कोई ना कोई फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिल सकता है। और प्लस मैं जो वेट कर रहा हूँ 60 डेज एक्यूमुलेशन फेज का एंड होने का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब तक मार्केट 60 डेज एक्यूमुलेशन जोन कंप्लीट नहीं करेगा तब तक मार्केट ऐसे ही सुस्तारता रहेगा, तब तक मार्केट ऐसे ही साइडवे रहेगा। एक बार मार्केट उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होता है 60 डेज, उसके बाद मार्केट में हमको पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों चीज देखने को मिलेंगी। देखिए एक चीज याद रखो, हम पॉजिटिव तब तक नहीं हो सकते जब तक मार्केट $42,000 के अबव नहीं जाता है, और ज्यादा नेगेटिव तब तक नहीं हो सकते जब तक मार्केट 28,000 बिलो ब्रेकडाउन नहीं करता है। देखिए एक चीज तो मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर है कि अभी तक मार्केट में टॉप नहीं बना है। मैं आपके साथ आने वाले वीडियोस में कुछ ऑन चेन डेटा एनालिसिस शेयर करना चाहूंगा जो कि बहुत सिमिलर है पिछले डेटा के हिसाब से, पिछले साइकिल के हिसाब से। और ऑलरेडी मैंने यूट्यूब के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने आपको 3 मेन रीजन बताया कि क्यों बिटकॉइन हिट कर सकता है $3,00,000 इस बुल मार्केट के अंदर। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैं चाहूंगा कि आप पर्सनली उस वीडियो को जाकर देखो। बाकी जहां तक बात करें बिटकॉइन की, तो भाई बिटकॉइन बिल्कुल एकदम साइडवेज स्ट्रक्चर है और फिलहाल अगर मैं बात करूं तो आज का वॉल्यूम बिल्कुल कम है, राइट है, एकदम लो वॉल्यूम कैंडल्स बन रही है। लेकिन यस वीकली क्लोजिंग कैंडल की बात करें तो 2 दिन यहाँ पर बाकी है, लेकिन वीकली कैंडल ने पिछला जो लेवल था जो कि इन शेडोज के अबव मार्केट होल्ड कर रहा था, क्लोजिंग के हिसाब से अगर बात किया जाए तो 34,000 यहाँ पर भी सेम 34,000 यहाँ पर भी सेम 34,000 यहाँ पर भी सेम ऑलमोस्ट, और यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट डाउन $34,200 के करीब। तो एक चीज आप ये कह सकते हैं कि वीकली हमेशा जो क्लोजिंग हो रहा था मार्केट के अंदर वो हमेशा 34,400 टू 34,200 के करीब हो रहा था, लेकिन अचानक यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया। अभी 2 दिन बाकी है। एक चीज यहाँ पर यह है कि अगर ये मार्केट इसको अपसाइड में ब्रेकआउट करे तो हम थोड़ा बहुत यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यस स्टील बायर्स मार्केट में कंट्रोल कर रहे, लेकिन अगर ये इसी तरह डाउन में रहे तो फिर मार्केट का एक चांस ये बन सकता है कि मार्केट डाउन जा सकता है नियरेस्ट $24,000 से $25,000। ये 100% कंफर्म नहीं है, एक प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट ये रिएक्शन कर सकता है, लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर टेक्निकल अगर कुछ बताया जाए
तो वो 100% होता है, 100% किसी चीज का नहीं होता। इवन इंसान की जिंदगी का भी 100% नहीं होता, कब जाएंगे कब खत्म हो किसको नहीं पता था। ये तो फाइनेंशियल मार्केट है, तो यहाँ पर एक चीज याद रखो हमेशा, यहाँ पर जो लेवल्स आपको बताए जा रहे हैं ये सिर्फ एक एस्टिमेशन लेवल्स है, ठीक है। 24,000 डॉलर ये 100% कंफर्म लेवल नहीं है, वो डिपेंड है कि 28,000 डॉलर का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कब करते हैं, और अगर मार्केट इसको रिवर्सल कर लेगा तो अच्छी बात है। बट यहाँ पर एक डेटा मैं यहाँ पर शो करना चाहूंगा जो कि बिटकॉइन डोमिनेंस का डेटा है, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको बिटकॉइन डोमिनेंस इसके पहले भी अपडेट दिया था, यहाँ पर मार्केट एक तरीके से आप कह सकते हो असेंडिंग चैनल पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये असेंडिंग चैनल पैटर्न फॉर्मेशन पैटर्न या तो ब्रेकआउट कर सकता है अपसाइड के अंदर, सिंपल सी बात है, अगर ये अपसाइड में ब्रेकआउट करे तो हमको बिटकॉइन के अंदर पॉजिटिव मूव देखने को मिल जाएगा, बट अगर ये डाउनसाइड में ब्रेकआउट करे तो फिर बिटकॉइन यहां से जो 25,000 डॉलर का लेवल है चांसेस है कि मार्केट वहां तक क्रैश डाउन या क्रैक डाउन कर सकता है, तो इस लेवल को आपको वॉच करना है, ठीक है। अगर नीचे जाएगा तो मार्केट वापस 39% का जो डोमिनेंस है वहां तक जाने का चांसेस वहां पर बढ़ जाएगा। और पिछले वक्त की अगर बात करूं तो मैं यहां पर मार्केट ने भी ऑलमोस्ट लेवल को बाउंसिंग किया था, तो 2018 की बात था, लेकिन यहां पर अभी देखना यह है कि बिटकॉइन यहां से डोमिनेंस अपसाइड में ब्रेकआउट करता है या डाउन साइड में ब्रेकआउट करता है, क्योंकि डोमिनेंस पहला रिएक्ट करेगा, बिटकॉइन प्राइस बाद में रिएक्शन देगा। तो इस चीज को आप याद रखो, यकीन मानो जितना आप बोर हो चुके हो ना मार्केट से उतना ही मैं भी बोर हो चुका हूँ, क्योंकि मार्केट में कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, ना ट्रेड कर सकते हैं, ना कोई चीज को बाय कर सकते हैं, ना किसी चीज का एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट फिल वक्त के अंदर इतना ज्यादा एकदम साइडवे चल रहा है ना, तो ऐसा होता है कि 100, 200, 500, 600% अगर डॉलर अगर बीटीसी पंप करता है, ऐसा होता है कि अगर मार्केट 500 से 1,000 डॉलर का पंप लेता है बिटकॉइन का, तो अल्टकॉइन अच्छे खासे थोड़े बहुत ग्रीन हो जाते हैं, और मार्केट डम किया तो अल्टकॉइन फिर से ब्रीड हो जाते हैं। तो भाई उसमें करे क्या ऐसे सिचुएशन में, मैं तो कुछ नहीं करता हूं, क्योंकि मैं ठहरा हूँ स्विंग ट्रेडर, ज्यादातर तो मैं फिल वक्त में पोजिशन ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ, फिल वक्त के अंदर मार्केट में कोई भी पोजिशन ट्रेडिंग के लिए कोई अच्छे सेटअप्स बन ही नहीं रहे, तो भाई फिल वक्त में तो बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं मार्केट के अंदर। बट यस, मैं आपसे फिलहाल यही कहना चाहूंगा कि आप टाइम को वेस्ट ना करो, टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस सीखने में अपना टाइम को बिताओ। यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग, कैंडलस्टिक हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, और भी अदर स्टफ्स है फंडामेंटल के रिगार्डिंग आपको मिलेगा। इवन ऑन चेन डेटा के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा डेटा एनालिसिस यहाँ पर अपने फ्री कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उनसे आप जाकर सीखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मार्केट अभी एंड नहीं होने वाला है, अगर आप ये समझ रहे हो कि ये मार्केट अभी दी एंड यहाँ से खत्म या ये चीज ओवर हो चुका है, तो नहीं हुआ है। 2017 में भी बड़ा क्रैश आया था, उसके बाद भी मार्केट रिकवर हुआ, बट वो तो एक बियर ट्रेंड था। मैं स्टिल बिलीव कर रहा हूँ कि अभी तक मार्केट बियर ट्रेंड में नहीं आया है, अगर मार्केट 25,000 डॉलर पे भी गिरता है तो भी मैं बिलीव नहीं करूंगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल मैट्रिक्स मार्केट का टॉप अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। पर्सनली आपकी क्या राय इसके रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सजेशन है किस टॉपिक पे मैं वीडियो क्रिएट करूं तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हो सकता है मैं उसको कवर अप करूं, लाइक टेक्निकल एनालिसिस वीडियोस कोर्स या कोई अदर स्टफ्स के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। फिल वक्त में वीडियो में इतना ही, ख्याल रखिए, जय हिंद।